शनिवार की शाम आप अपने दोस्तों के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, अपना मन पसंद खाना खा रहे हैं। अगले दिन रविवार है, इसलिए कॉलेज ऑफिस जाने की कोई चिंता नहीं है। हंसी मजाक भरपूर हो रहा है। अचानक एक पल ऐसा आता है जब आपको लगता है कि जैसे ये पूरी घटना पहले भी हो चुकी है। वही दोस्त एक साथ खाना खाते हुए वही बातें कर रहे हैं जो पहले भी की हैं। ये स्थिति जानकर और सोचकर आपको हैरानी हुई होगी, बेशक हुई होगी। आपको लगा होगा कि आखिर हमें आपके एहसास के बारे में कैसे पता, हमें कैसे पता चला कि आपको अचानक महसूस हुआ कि आप किसी घटना का अनुभव पहले भी कर चुके हैं। चौंकिए मत, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा अनुभव करते हैं। दुनिया में बहुत से लोग करीब करीब हर दिन ऐसा अनुभव करते हैं, और चौंकाने वाली बात यह है कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये अजीबोगरीब एहसास उन्हें कैसे आता है। चलिए, इन सवालों के जवाब आज हम आपको तफसील से देते हैं। इस एहसास को कहते हैं डेजा वू। ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है पहले भी देखा हुआ। जो लोग इस एहसास को महसूस करते हैं, उनका दावा है कि कोई घटना को वो पहले भी अनुभव कर चुके हैं, जबकि वो उसके साथ पहली बार घट रही है। सोचिए कि आप दिल्ली में रहते हैं और जिंदगी में पहली बार मुंबई घूमने गए हैं। मुंबई में आप अचानक किसी ऐतिहासिक इमारत में घूमने जाते हैं और आपको लगता है कि जैसे कि आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं। आप उसी प्रकार चलकर इमारत के अंदर गए हैं और उसी अंदाज में खड़े हुए हैं जैसे उस वक्त खड़े हैं। इसी एहसास को कहते हैं डेजा वू। अब सवाल ये उठता है कि यह एहसास ऐसा क्यों होता है। डेजा वू दिमाग के टेम्पोरल लोब में होता है। ये भाग इमोशन प्रोसेस करने के लिए या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए होता है। जब इस लोब में सीजर यानी मस्तिष्क के विद्युत संकेतों में बदलाव आता है, तब हम डेजा वू का अनुभव करते हैं। वैज्ञानिकों के पास अभी भी इतनी जानकारी नहीं है कि वो इतना सही अंदाजा लगा पाए। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि दिमाग पहले से कुछ बातों और परिस्थितियों का अंदाजा लगा लेता है, या फिर मन किसी भी अनजान घटना को लेकर एक रूपरेखा तैयार कर लेता है। जब उसी से मिलती जुलती कोई घटना होती है तो हमें लगता है कि ये पहले भी हो चुका है। दिमाग हमें कई बार परिस्थिति को लेकर गलत संकेत देने लगता है और किसी एक चीज को पुरानी किसी बात या ख्याल से जोड़कर हमें बताता है। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि डेजा वू हमारे पूर्व जन्म से जुड़ी हुई घटनाओं की वजह से होता है, यानी जब पूर्व जन्म में हम उस जगह पर गए होंगे वो याद हमें इस जन्म में आ रही है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो भगवान ही जाने। लेकिन ये एहसास एकदम नया नहीं है। हर इंसान को यह एहसास कभी न कभी जरूर होता है। तो आपके साथ कब हुआ था पहला डेजा वू, हमें अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।